नमस्ते बच्चों, आज हम बाल लीला का आखिरी पद पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और वो अपनी माता से अपने भाई बलराम की शिकायत करते हैं कि उन्हें बलराम किस प्रकार चिढ़ाते हैं, जिससे उनका खेलने जाना बंद हो गया है। और अपनी माँ को भी कहते हैं कि वह सिर्फ उन्हें डांटती हैं, उनके भाई को नहीं डांटती। ध्यान दीजिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, मुझे भैया बहुत चिढ़ाते हैं। माँ, खिजायो मतलब चिढ़ाना। मौ सो, मौ मतलब मुझे, सो कहत मोल, मोल मतलब खरीदना, को लिन्हो तू जसमती कब जायो। वो क्या कहते हैं, बलराम भैया चिढ़ाते हुए कहते हैं कि बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा ने उन्हें खरीद लिया है, वह उनके से पैसे के लिए हुए पुत्र हैं। कहा करो यही रिस के मारे, रिस मतलब गुस्से, यही मतलब इस, क्या करूँ माँ मैं इसी गुस्से के मारे, खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने नहीं जाता। वो बार बार पुनि पुनि कहत कौन है माता, बार बार मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, को है तेरे तात, कौन है तुम्हारे पिता। नंद बच्चे अपने माता पिता पे जाते हैं, वो कहते हैं गोरे नंद जसोदा गोरी। वे क्या कहते हैं, नंद बाबा गोरे हैं, जसोदा मैया गोरी है, तू कत श्याम शरीर, तुम्हारा शरीर सांवला कैसे हो गया। चुटकी दै दै हसत ग्वाल सब, सीखे देत बल बीर। कवि सॉरी श्री कृष्ण कहते हैं कि इनकी इन्हीं बातों पे सभी ग्वाल बाल चुटकी ले लेकर ताली बजा बजा कर क्या करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। और ग्वाल बलराम ने उन्हें ऐसा करने के लिए सिखाया है। तू मोही को मारन सीखी, और अपनी माँ से क्या कहते हैं कि तुम तो सिर्फ मुझे ही मारना सीखी हो, दाहू कभी ना खींचे अपने मतलब बलराम पर तुम कभी गुस्सा भी नहीं होती हो। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को सूर, सॉरी मोहन मुख रिस की ये बातें, श्री कृष्ण के मुख से गुस्से से निकली ये बातें सुनकर यशोदा मैया खुश होती हैं। सुनहु कान, और श्री कृष्ण को अपने पक्ष में अपनी बातों में अपने विश्वास में लेने के लिए कहती हैं कि सुनहु कान्हा, तुम जानते हो कि बलराम जन्म से ही दुष्ट हैं, बदमाश हैं, तुम उनकी बातों पर मत आओ। सूर श्याम मोही गोधन की सौ, और क्या कहती हैं उनको विश्वास में लेने के लिए, गाय की कसम खाती हैं और कहती हैं कि तुम, मैं गाय की सौगंध, गाय की कसम खाती हूँ, तुम मेरे ही पुत्र हो, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और नंद बाबा ही तुम्हारे बाबा हैं, तुम बलराम बदमाश हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बच्चों, यहाँ बाल लीला का मैंने आपको पद समझा दिया है। इन तीनों पदों की व्याख्या मैं आपको PDF में करके दूंगी, उन्हें आप अपनी नोटबुक में उतारोगे। उसके बाद इससे संबंधित यहाँ पे ध्यान दो, मैया मोही से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 बलवीर तक, ये 6 पंक्ति अपनी कॉपी में लिखोगे और इससे संबंधित मैं प्रश्न आपको दूंगी। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण अपनी माँ से किसकी शिकायत कर रहे हैं। उत्तर लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण अपनी माँ से अपने भाई बलदाऊ की शिकायत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर किसके उपासक थे, उनका ब्रह्म निर्गुण था या सगुण। उत्तर लिखोगे, सूरदास भगवान कृष्ण के अन्यन उपासक थे, वे सगुण ब्रह्म की उपासना करते थे। उनके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते करते उनका दर्शन भी कर लेते थे, उन्होंने आस्तिक बनकर सत्संगति पर बल दिया है। ये बच्चों मैंने गलत लिख दिया था, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया। अगला गा नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो लिखो कि बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बलदाऊ भैया की शिकायत करते हैं कि वह उन्हें चिढ़ाते हैं, उनसे कहते हैं कि उसे तो मोल लिया था, मोल मतलब खरीद लिया था, यशोदा माता ने उन्हें जन्म नहीं दिया है, इसके कारण गुस्से से मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बलराम मुझसे पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन हैं, नंद बाबा और यशोदा माता गोरी हैं, तो फिर सांवला कैसे हो गया के बाद क्वेश्चन मार्क। उनके सिखाने पर ही ग्वाल बाल ताली दे देकर हंसते हैं। अंतिम प्रश्न,
सूर ने कृष्ण की बाल लीलाओं का कैसा वर्णन किया है उदाहरण सहित लिखिए। सूरदास बड़े प्रेम भाव से बाल कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण की अनन्य उपासना की है। वे इन्हीं लीलाओं के माध्यम से अपने प्रभु का दर्शन भी कर लेते हैं। वे सगुण ब्रह्म के उपासक थे। संसार में मोह माया के बंधन को त्याग कर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में ही आनंद तथा सुख पा सकता है। माया मोह मनुष्य को ईश्वर की तरफ जाने से रोकते हैं। तो बच्चों, मैं पदों की व्याख्या, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखी है पदों की ये व्याख्या, मैं आपको PDF में करके दे दूँगी। आप ज्यों का त्यों आप उतारोगे अपने नोटबुक में, सबसे पहले पदों की व्याख्या, फिर पंक्तियों पर आधारित आप लिखोगे। तो बच्चों, आपकी कविता 2 कंप्लीट हो गई है। पहला साखी, दूसरा बाल लीला। पहले मैं आपके सिलेबस में जो कविता है बच्चों, मैं वो पूरा करके फिर हम कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।